बड़ी खबर के साथ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला। झोटवाड़ा के दिवाकर पब्लिक स्कूल के स्ट्रांग रूम से चोरी हुआ था पेपर। परीक्षा केंद्र प्रभारी सहित 8 लोगों के खिलाफ एसओजी ने केस दर्ज किया है। अब एसओजी की टीम पहुंची दिवाकर पब्लिक स्कूल। स्कूल में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है एसओजी, और पेपर लीक के बड़े गिरोह के खुलासे की संभावना है। तो एक बार फिर से पेपर लीक और अब बड़े गिरोह के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का ये मामला जिसमें झोटवाड़ा के दिवाकर पब्लिक स्कूल के स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हुआ, प्रभारी सहित 8 लोगों के खिलाफ एसओजी ने मामला दर्ज किया है। ये तस्वीरें आपको स्कूल की दिखा रहे हैं जहां पर अब एसओजी पहुंची है। अब जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहां से ये लीक हुआ, कैसे ये लीक हुआ, कौन ये लोग थे। हालांकि मामला दर्ज 8 लोगों के खिलाफ हुआ है। और हमारे साथ सत्यनारायण हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, पूरी जानकारी दीजिए, कितनी एसओजी की जो टीम है वो पहुंची है, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां पर? मेरा देखिए 14 मई को दूसरी पारी के अंदर करीबन 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। वो बताया जा रहा है जांच में सामने है कि ये वो स्कूल है दिवाकर पब्लिक स्कूल जहां से इस पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई थी। बता दूं आपको करीबन 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ जिसके अंदर सुरक्षा स्टोर रूम प्रभारी मौजूद थे, उनके खिलाफ कह दिया। मोहन नाम का जो व्यक्ति है वो अभी तक फरार बताए जा रहे हैं कि जो मोहन नाम के व्यक्ति हैं वो फरार। लेकिन आप देखिए पुलिस अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, ये कोशिश की जा रही है यहाँ पर हर फुटेज खंगालने की। पुलिस अधिकारी के साथ साथ एसओजी की टीम यहाँ पर आई हुई है और जो यहाँ पर स्टाफ है उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दूँ आपको कि अशोक राठौड़ जो डीजी एटीएस एसओजी है उनका उनसे बात हुई थी हमारी, उनका साफ कहना था कि इस पूरे नेटवर्क खुलासा किया जाएगा, कड़ी से कड़ी मिलाई जा रही है। और इस बात का सामना है कि जो छोड़ा के अंदर भी एक स्कूल है वहाँ पर भी एक अभ्यर्थी मिला जिसका नाम अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उसके पास पेपर पहले आ गया था, करीबन 142 जो प्रश्न थे उनके उत्तर व्हाट्सएप पे आ गए थे। ऐसे में अब एक बड़ा नेटवर्क इस पूरे स्कूल के खिलाफ बताया जा रहा है कि बड़ा नेटवर्क संभावना है कि बड़ा नेटवर्क इस पूरे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में लगा हुआ हो। ऐसे में कल रात को डीजीपी एमएल लाठर ने परीक्षा निरस्त कर दी, लेकिन अब एसओजी की जो जांच है वो जांच ये करेगी इस पूरे गिरोह के पीछे कौन कौन शामिल है। ऐसे में उनके खुलासे के लिए जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है वो खंगाली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि करीबन आधे घंटे का जो फुटेज जिस समय ये पेपर लीक हुआ था उस आधे घंटे का फुटेज इस कैमरे के अंदर नहीं है। जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं उन कैमरों के अंदर आधे घंटे की फुटेज यहाँ से हटा ली गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता कि आखिर ये फुटेज किसने हटाई। हालांकि जो एक मोहन नाम का जो यहाँ पर कर्मचारी बताया जा रहा है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। ऐसे में एसओजी के जो अधिकारी हैं वो पूरे स्कूल का मौका मुआयना कर रहे हैं, नक्शा बनाया जा रहा है और जो यहाँ पर स्टाफ है उनसे पूछताछ की जा रही है। मेगा सत्यनारायण, क्योंकि ये जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं उनकी तस्वीर भी हम देख रहे हैं, लगातार पूछताछ कर रहे हैं, पेपर जो है वो जांच रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है क्या उनसे कोई पूछताछ हुई, उसमें कुछ सामने आया है अभी तक? बिल्कुल, मैं बता दूंगा आपको करीबन 8 व्यक्तियों के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज हुआ जिसके अंदर स्ट्रोंग रूम प्रभारी एएसआई जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल होता है एएसआई है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। उसके अलावा स्कूल में जो मौजूद था उस समय उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम मोहन बताया जा रहा है स्कूल कर्मचारी है वो फिलहाल फरार है, उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। ऐसे में अधिकारियों का साफ कहना है कि बड़ा नेटवर्क इस पूरे पेपर लीक के जो मामला है इसके अंदर शामिल हो सकता है। ऐसे में एसओजी की टीमें जयपुर शहर के 6 से अधिक स्कूलों पर दबिश दे रही है। हालांकि स्कूल का नाम अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इलाके में सिद्धार्थनगर इलाके में और मुरलीपुरा इलाके में स्कूलें बताई जा रही है जहां पर एसओजी की टीमें एक साथ पहुंची है। लेकिन ये जो स्कूल है ये जो दिवाकर पब्लिक स्कूल है इसी के अंदर पूरी साजिश रची गई है। इसी के अंदर 14 मई को दूसरी पारी पेपर लीक हुआ है, इसी स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर से पेपर चोरी हुआ है। ऐसे में पूरी साजिश के लिए किस प्रकार साजिश रची गई थी जो एसओजी के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं, उनसे जो स्टाफ है वो पूछताछ की जा रही है। फिलहाल देखना ये हुआ कि आगे आने वाले जो कार्रवाई होगी उसके अंदर एसओजी किस प्रकार से कार्य करेगी। हालांकि परीक्षा भी है अभी तो, और फिलहाल अब जो एसओजी के अधिकारी का साफ कहना है कि करीबन एक नहीं बल्कि 6 से अधिक जयपुर शहर की स्कूलें थी उसके अंदर इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम दिया गया था। और ऐसे में अब कोशिश की जा रही है मेगा की जो आरोपियों को गिरफ्तार की जा सके। हालांकि जो मोहन नाम का जो व्यक्ति बताया जा रहा है कर्मचारी वो फिलहाल यहाँ से फरार है, और अब देखना ये होगा एसओजी इस पूरे कार्रवाई को किस प्रकार अंजाम देती है। मेगा बिल्कुल,
और क्योंकि देखिए ये बड़े सवाल उठते हैं कि हर बार ऐसे परीक्षा होना और उसके बाद ये लीक हो जाना, और अब तो सामने भी आ गया कि कहां से ये पेपर लीक हुआ है। ऐसे में हालांकि परीक्षा को निरस्त कर दिया, लेकिन इसके बावजूद तमाम ये सवाल कि इसके पीछे गिरोह कौन है, क्या जयपुर में ही कुछ धरपकड़ हो सकती है, इसके अलावा भी जयपुर से बाहर कोई गिरोह जो पकड़ा जा सकता है, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी है? मेरा जो शुरुआती जो जांच में सामने आया कि जयपुर के ही ये पूरा जो गिरोह है जयपुर शहर के अंदर काम कर रहा था, और जोटपाड़ा इलाके के इस दिवाकर पब्लिक स्कूल से स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर चोरी हुआ था। उस पेपर चोरी होने के बाद में करीबन 10 लाख रुपए के अंदर पेपर बिका, ये जानकारी में मिली है। अब इनमें किस किस व्यक्तियों की भूमिका है वो SOG खंगाल रही है। SOG के करीबन 13 से अधिक जो अधिकारी हैं वो इस स्कूल में पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी यहाँ पर 8वीं और 5वीं के एग्जाम भी चल रहे हैं, ऐसे में बच्चे भी अंदर जा रहे हैं, लेकिन एक कमरे के अंदर अलग से जो यहाँ पर स्टाफ था, यहाँ का जो प्रिंसिपल है, उनसे बातचीत की जा रही है और तथ्य खंगाले जा रहे हैं। लेकिन जो CCTV कैमरे की फुटेज है, जिस समय पेपर चोरी हुआ उस आधे घंटे की फुटेज इस कैमरे से गायब है, ऐसे में सवाल निशान ये होता है कि यहाँ पूरा स्टाफ है, ये पूरे गिरोह में शामिल हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ऐसे में अब कोशिश की जा रही है, पूछताछ की जा रही है उनसे इस पूरे गिरोह के खुलासे के लिए। बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए क्योंकि पेपर लीक हुआ उसके बाद अब SOG की टीम भी पहुंची है, CCTV फुटेज पहले ही हटा दिया गया, लेकिन क्योंकि जो ये पेपर लीक किया, जिन लोगों ने ये पेपर चुराया उनको पता था कि यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हैं, और अगर आगे जब पुलिस पहुंचेगी तो पहले ही इस सबूत को मिटा दिया जाए। लेकिन क्योंकि पेपर ये लीक हुआ है और आपने कहा 10 लाख रुपये में बेचा गया है, किन किन लोगों को बेचा गया है, कितने लोग क्या जयपुर में ही है या जयपुर से बाहर जो है उनको भी बेचा गया, और कहाँ कहाँ ये पास है? मैं कहा देखिए, जो सोडाला इलाके में कुमार पब्लिक स्कूल है वहाँ से एक हरियाणा निवासी अभ्यर्थी है, उसको रथ में लिया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि हमने करीबन 5 से 7 साथियों ने मिलकर 10 लाख रुपए के अंदर पेपर खरीदा है। 142 जो क्वेश्चन थे पेपर के अंदर, उन 142 क्वेश्चन के आंसर उसकी बेल्ट के अंदर पर्ची मिली, उसमें हु बहू वो आंसर उसमें लिखे हुए थे। ऐसे में उससे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये जो स्कूल है दिवाकर पब्लिक स्कूल, पूरा जो मास्टर माइंड जो गिरोह है, पूरा जो गिरोह है उन्होंने इस स्कूल से ही पेपर को चुराया था, और इस स्कूल का जिस टाइम पेपर चोरी हुआ उसका आधे घंटे का फुटेज SOG को नहीं मिल पाया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जो स्कूल के अंदर उस समय मैनेजमेंट मौजूद था उनकी मिलावट भी हो सकती है। ऐसे में स्कूल मैनेजमेंट से पूछताछ की जा रही है, और साथ साथ जो ASI है, पुलिस का ASI है जिसकी ड्यूटी परीक्षा के स्ट्रॉन्ग रूम में होती है, उससे पूछताछ की जा रही है, जिससे कि पूरे खुलासे का पूरा जो घटनाक्रम से खुलासा किया जा सके, खुलासा हो सके। और क्योंकि तमाम अधिकारी SOG के जो है वो पहुंचे हुए हैं स्कूल, और यहाँ पर अभी खंगाला जा रहा है जो भी कागजात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण पूरी जानकारी के लिए।